नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। द सूत्रधार पर हम जानेंगे नूह हिंसा को लेकर के उसके पीछे के बैकग्राउंड की कहानी और देश भर में अलग अलग जगहों पे उसको लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर भी हम एक रिपोर्ट देखेंगे। वैसे तो हमारा यह चैनल पूरी तरह से पौराणिक साहित्यिक और अन्य तरह की कहानियों को डेडिकेटेड है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब समाज में होती हैं तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उसको भी आपके सामने में रखें। इसके लिए हमारी टीम ने व्यवस्था की है, सोचा है कि हम लोग इसके लिए एक अलग न्यूज चैनल यूट्यूब का ही एक न्यूज चैनल लेकर के आएंगे। वेबसाइट पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी आप लोगों के सामने में होगा। फिलहाल हम लोग नूह की बात कर रहे थे, जिसे लेकर के नूह के अलावा, मतलब मेवात में नूह पड़ता है और उसके अलावा जो है बहुत सारे इलाकों में, आपका गुरुग्राम, राजस्थान के कुछ इलाकों में सुनने को आया है कि कुछ हिंसा की खबरें आई हैं, जिसकी जड़ जो है नूह में हुई हिंसा की घटना है, जो भगवान शिव के लिए जो यात्रा निकाली गई थी और उस पर जो पथराव हुआ था उसको लेकर के हम लोग डिटेल में अभी उसके बारे में जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था, पूरी कहानी हम लोग सुनेंगे। उसके पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। गुजरात के सूरत में भी इसे लेकर के प्रोटेस्ट हुआ है आज, मतलब नूह में हुई हिंसा को लेकर के पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया था, तो ये रिपोर्ट देखिए। नूह में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर हमले को लेकर देश के कई हिस्सों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। राजधानी दिल्ली से लेकर गुजरात के सूरत तक कार्यकर्ता सड़कों पर निकले, नारेबाजी की और अपना आक्रोश व्यक्त किया। हम इस वक्त मौजूद हैं सूरत के उदना दरवाजा पर। सूरत के उदना दरवाजा पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। इसका कारण है कि मेवात में जो घटना घटी है उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है, और आप देख सकते हैं कि कैसे अरब सागर के किनारे सूरत शहर में यह आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है। एक एक लोगों के चेहरे पे आप देखिए कितने लोगों में आक्रोश है मेवात की उस घटना को लेकर के। कल ही मेवात के अंदर जो घटना घटी है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के विरोध में समग्र देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा देशव्यापी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित करके समग्र देश और विदेश में इस प्रकार की जो जिहादी मानसिकता हिंदुस्तान के अंदर और विश्व के अंदर पनप रही है उसको उजागर करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और सब लोग इस मानसिकता को जाने, उसकी क्रूरता को जाने, उसके नरसंहार को जाने, इसलिए ऐसे जागृति के कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आयोजित किया गया। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि ऐसे देश विरोधी लोगों को देखते ही गोली मारा जाए, इनको बख्शा ना जाए, वो किसी भी धर्म से जब हो। सामने की तरफ से पत्थरबाजी जैसी घटनाएं होती हैं, जब हत्याएं होती हैं, जब लिंचिंग होती हैं, तो आक्रोश इसी तरह से निकल करके आता है। जी, बजरंग दल तोड़ना भी जानता है और जोड़ना भी जानता है। सुधर जाओ, ये लास्ट वार्निंग है, सुधर जाओ तुम लोग। जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब जानते हैं कि आखिर नूह में हिंसा क्यों भड़की थी, उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। 31 जुलाई को नूह जिले में स्थित अरावली की पहाड़ियों में बने पुराने शिव मंदिर से वीएचपी की शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। 2.5 से 3 हजार की तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। यह यात्रा इस मंदिर से करीब 45 किलोमीटर दूर नूह होते हुए एक गांव में जानी थी। जैसे ही शिव मंदिर से शोभा यात्रा तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ी, तभी यात्रा पर हमला कर दिया गया। कहा जा रहा है कि हमला पूरी तरह से सुनियोजित था। एक तरफ से शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ से अन्य समुदाय के लोग सामने से आ गए और पथराव शुरू हो गया। कई रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भीड़ ने मंदिर को घेर कर इस पर फायरिंग भी की थी। इस दौरान गाड़ियों पर पथराव और अगजनी का सिलसिला शुरू हो गया। हिंसा से बचने के लिए कई लोग वापस शिव मंदिर की तरफ भागे और गेट के भीतर घुस गए। इसी दौरान कई लोगों की बेरहमी से हत्या भी कर दी गई। अब जब यह हमला हुआ और देश भर में इसे लेकर लोगों में आक्रोश फैलने लगा, तो
सामने वाले हमलावर पक्ष की तरफ से यह दलील दी जाने लगी कि क्योंकि इस यात्रा में जो हिंदुओं की तरफ से निकाली जा रही थी उसमें मोनू मानेसर नाम का एक शख्स शामिल हो रहा था, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष में नाराजगी थी। मोनू मानेसर पर कुछ महीने पहले राजस्थान में गोरक्षा के नाम पर दो लोगों की हत्या का आरोप लगा था। हालांकि पुलिस ने मामले में उसे क्लीन चिट दे दी थी, फिर भी दूसरे समुदाय के लोगों ने इस यात्रा को रोकने की कोशिश की। आधार मोनू मानेसर को बनाया गया, बहाना मोनू मानेसर को बनाया गया और यात्रा पर पथराव किया गया, हमला किया गया, लोगों की जान ले ली गई। आपको एक चीज और बता दें कि ये जो पूरा इलाका है मेवात का, यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं और जो मुस्लिम्स हैं वो 80% उनकी आबादी है, वो बहुसंख्यक है और वहां इस तरह की घटनाएं अक्सर देखी जा सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि यहां पर जो मुस्लिम हैं उनका ओरिजिन क्या है या उनका इतिहास क्या है। मेवात में 80% मुस्लिम आबादी है जो मेव मुस्लिम कहे जाते हैं। इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, साक्षरता दर 55% ही बताई जाती है। मेव मुस्लिमों को लेकर दो तरह की थ्योरी दी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये ईरान से आए थे, जबकि कुछ लोग कहते हैं मेव मुस्लिम पहले हिंदू ही थे जो मीना जनजातियों से ताल्लुक रखते थे। बताया जाता है कि इन लोगों ने 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच इस्लाम अपना लिया था। तो यह थी नूह हिंसा को लेकर के हमारी पूरी कहानी, बजरंग दल के प्रोटेस्ट को लेकर के हमारी स्टोरी। 10 सूत्रधार पर कहानियों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।